इन लास्ट चार महीने में या फिर CY22 में जो सबसे सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज हुआ है वो IT में हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत कमोडिटीज़ का प्रभाव नहीं है, वो मोर और लेस अगर आप देखें वो US पर फोकस करते हैं, वहाँ की अगर आप देखें इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। ये जो लास्ट दो क्वार्टर्स में प्राइस डैमेज हुआ है, आई मीन मोर लेस आई थिंक निफ्टी IT वाज रिट्रेस्ड अबाउट आई थिंक 30% 28% रिट्रेस्ड, वही अर्निंग रेजिलियंस को देखते हुए, और आई थिंक इन्फोसिस ने जो अभी कमेंट किया था कुछ दिनों पहले कि नहीं आई मीन डील विन और आई थिंक प्राइसिंग स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या IT इस वक्त एक प्रेफर्ड बाय है आपके अनुसार? ये तो क्लियरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर दिसंबर के करीब जब IT सेक्टर की जो वैल्यूएशंस हो गई थी एंड क्लियरली एवरेज से बहुत आगे बढ़ गए थे वैल्यूएशंस, वो एक परेशानी का समय जरूर था, एंड स्पेशली मोर फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंडपॉइंट, नॉट एज मच फ्रॉम द बिजनेस स्टैंडपॉइंट। बिजनेस में हालांकि थोड़ी बहुत सप्लाई साइड की जो प्रेशर्स थी वो डेवलप जरूर हो रही थी बट मैनेजेबल थी। लेकिन अभी हमने जो पिछले आपने जैसे कहा कि पिछले 4-5 महीने में स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर से IT सेक्टर अंडर परफॉर्म द मार्केट बाय ऑलमोस्ट 25%, निफ्टी 4% डाउन है, IT इंडेक्स 25% डाउन है, क्लियरली 20-odd% का अंडर परफॉर्मेंस है। तो एक तरीके से वैल्यूएशन जो पहले जो बहुत ज्यादा थी वो क्लियरली एक रेंज, एक रिलेटिवली बेटर रेंज में आ गई है। एक एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव मैं सोचूं तो एक इन्वेस्टेबल रेंज जरूर बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे सामने आके खड़ा है। एंड आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी की जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको जैसे है कि अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लाउड माइग्रेशन, एंटरप्राइज यू नो ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स है वो कंटिन्यू रहेंगे, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड वो एक्सेलरेट भी हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 12-15% वाला जो अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये सेक्टर से ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एंड अब हम जब वैल्यूएशंस के साथ में अगर इस ग्रोथ को जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव लेवल जरूर डेवलप हो रहा है। शायद यहाँ से मतलब यू माइट नॉट नेसेसरली गेट द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट यू गॉट इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, बट क्लियरली जैसे मैंने कहा ये एक रेजिलियंट पार्ट ऑफ द इंडियन मार्केट कहलाया जा सकता है।